ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है। इसके लिए सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाने की घोषणा भी की है। साथियों, हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो, भारत में दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो। इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे, आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे 13, अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं। 10 साल पहले 13 आईएम्स थे, आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के युवाओं के सपनों को नया विस्तार दिया है। भारत की यूनिवर्सिटीज ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा डीकन और वलुंगोंग जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोल रही है। इन सारे प्रयासों से भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान उपलब्ध हो रहे हैं। इससे हमारे मध्यम वर्ग की भी बचत भी हो रही है। साथियों, आज विदेशों में हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के कैंपस खुल रहे हैं। इसी साल अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खुला है। तंजानिया में भी आईआईटी मद्रास का कैंपस शुरू हो चुका है। और ग्लोबल होते भारतीय शिक्षा संस्थानों की तो ये शुरुआत है। अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को भी दुनिया के कोने कोने में जाना है। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है।
जब भारत कहता है वन अर्थ वन हेल्थ तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दायित्व और ज्यादा बड़ा है। आप भारत और पूरे विश्व का भविष्य है। अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम है। ये 25 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यहां से निकलकर आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप पर अपनी यूनिवर्सिटी के मानवीय मूल्यों की मुहर दिखनी चाहिए। आपका जो लोगो है उसका संदेश हमेशा याद रखिएगा। आप लोग इसे नालंदा वे कहते हैं ना, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामंजस्य, व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य आपके लोगों का आधार है। आप अपने शिक्षकों से सीखिए, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे से सीखने की भी कोशिश करिए। बी क्यूरियस, बी करेजियस एंड अबाउ ऑल बी काइंड। अपनी नॉलेज को समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग करिए। अपनी नॉलेज से बेहतर भविष्य का निर्माण करिए। नालंदा का गौरव, हमारे भारत का गौरव आपकी सफलता से तय होगा। मुझे विश्वास है आपके ज्ञान से पूरी मानवता को दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हमारे युवा आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। मुझे विश्वास है नालंदा ग्लोबल कॉज का एक महत्वपूर्ण सेंटर बनेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और नीतीश जी ने सरकार की तरफ से पूरी मदद का जो आह्वान किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। भारत सरकार भी इस विचार यात्रा को जितनी ऊर्जा दे सकता है उसमें कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इसी एक भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे देश, युवाओं और शिक्षा के विकास इवी एबल्टन अपडेट्स।